Hello friends, this is Team Super Simplified and this is daily quiz on current affairs, and this is quiz number 2 for 25th June 2019. So let's get started. So this is question number 1 for today. Niti Aayog has recently released Healthy States Ranking 2019. Which state has topped the list? A. Kerala, B. Andhra Pradesh, C. Gujarat, ya fir D. Karnataka. And the correct answer here is A. Kerala. Right, so Kerala ने इस list में top किया है and this is the second edition of the report, right? और Kerala ने यहाँ पे top किया है and Uttar Pradesh and Bihar are at the bottom. और इस साल की जो report है उसकी theme है Healthy States Progressive India, right? And this report has been prepared in collaboration with Ministry of Health and Family Welfare and with technical assistance from the World Bank, right? Now let's come to question number 2. Consider the following statements regarding the rover Curiosity. Statement number 1, the rover was launched in 2011 and is operated by NASA. Statement number 2, Curiosity is deployed on Earth's moon to study its geology and climate. Which of the above statements is or are correct? 1 only, 2 only, both 1 and 2, ya fir none of the above. And the correct answer here is A, that is 1 only. सो ये रोवर जो है 2011 में लॉन्च किया गया था और ये अभी भी ऑपरेटिव है. इट इज़ फंक्शनिंग एंड इट इज़ ऑपरेटेड बाय नासा, बट इट वाज नॉट सेंट ऑन अर्थ मून, इट वाज सेंट ऑन मार्स, राइट? सो ये रोवर जो है वो 2012 में मार्स पे इसने लैंड किया था नियर गेल क्रेटर एंड इट इज़ मेकिंग अ स्टडी नियर दैट एरिया ओनली, इन दैट रीजन ओनली, राइट? एंड इट हैज़ रिसेंटली डिटेक्टेड हायर लेवल्स ऑफ मीथेन इन एटमोसफेयर ऑफ मार्स, सो इस वजह से ये न्यूज़ में था, दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज हियर. Now let's come to question number 3. Financial Action Task Force was in news recently. Where is the headquarters of FATF located? Geneva, Washington, Paris, ya fir London. And the correct answer here is C, Paris. Right? So iska headquarters jo hai wo Paris mein located hai. So FATF hai kya actually? FATF is an intergovernmental organization which was founded in 1989, 30 years before. And it was founded on the initiative of G7 countries to develop policies to combat money laundering. So presently इसमें 31 members हैं, India भी इसका member है. और 2001 में जब 9/11 का जो terror attack हुआ था USA में, उसके बाद में terror financing को रोकने के लिए जो काम करना है वो भी इसके agenda में include कर दिया गया. So it is also working towards curbing the terror financing, right? So India is a member of FATF और एक proposal आया है recently FATF में कि पाकिस्तान को blacklist किया जाए on the issue of टेरर फाइनेंसिंग. सो काफ़ी चर्चा में ये विषय चल रहा है अभी. एंड दीज आर द मेंबर्स ऑफ FATF, दीज आर द 31 मेंबर्स ऑफ FATF. यू कैन सी इंडिया इज ऑल्सो अ मेंबर, राइट? नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 4. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट और स्टेट्स हैज और हैव रिसीव्ड द GI टैग फॉर कोल्हापुरी चप्पल? सो कोल्हापुरी चप्पल आपने सुना होगा, काफ़ी फेमस है. सो उसका जो GI टैग है वो कौन से स्टेट को अभी दिया गया? महाराष्ट्र, कर्नाटका, बोथ ए एंड बी, या फिर नन ऑफ द अबव? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज C, that is both A and B. So ऐसा काफ़ी कम ही होता है कि दो स्टेट्स को जॉइंटली एक GI टैग दिया जाए. सो कोल्हापुरी चप्पल जो है उसका ओरिजिन तो मेनली कोल्हापुर से हुआ है, बट GI टैग जो है वो मिला है कोल्हापुर को, सांगली को, सतारा और सोलापुर. ये चार डिस्ट्रिक्ट महाराष्ट्र के हैं और चार ही डिस्ट्रिक्ट जो है वो कर्नाटका के हैं, जो है धारवाड़, बेलगाम, बागलकोट और बीजापुर. सो द आर्टिसंस फ्रॉम कोल्हापुर, द पीपल हु मैन्युफैक्चर दीज चप्पल्स आर अपसेट ऑन शेयरिंग द टैग विद अदर्स, सो दे आर मूविंग टू बॉम्बे हाई कोर्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर अलॉटमेंट ऑफ GI टैग टू टू स्टेट्स जॉइंटली. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 5. नागरहोल नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? महाराष्ट्र, तमिलनाडु, केरला या कर्नाटका? एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज कर्नाटका, राइट? सो ये कर्नाटका का मैप है और यहाँ पर उसके सदर्न एंड पे, सदर्न टिप पे आपको देखेगा नागरहोल नेशनल पार्क. एंड फॉर इन्फॉर्मेशन, जो टाइगर्स की जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा इंडिया में कर्नाटका स्टेट में ही है, राइट? एंड इट इज़ इंडियाज़ प्रीमियर टाइगर रिजर्व अलॉन्ग विद एडजॉइनिंग बांदीपुर टाइगर रिजर्व, जो वंस अगेन कर्नाटका में ही है. और ये नागरहोल नेशनल पार्क और बांदीपुर टाइगर रिजर्व वाला जो रीजन है वो नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व के अंडर में आता है, राइट? एंड नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व, जैसा कि आप जानते होंगे, इट इज़ अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट. सो ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व वाला जो रीजन है वो एक्चुअली 3 स्टेट्स में फैला हुआ है, तमिलनाडु, केरला एंड कर्नाटका का भी कुछ पोर्शन उसमें आता है. और नागरहोल नेशनल पार्क अभी रिसेंटली न्यूज़ में था बिकॉज देर वॉज अ डेड बॉडी ऑफ अ टाइगर फाउंड देयर, राइट? सो लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 6. स्ट्रेट ऑफ होर्मोज इज फ्रीक्वेंटली न्यूज रिसेंटली.
इट कनेक्ट्स ए पर्शियन गल्फ एंड अरेबियन सी, बी पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान, सी रेड सी एंड अरेबियन सी, डी रेड सी एंड मेडिटेरेनियन सी. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज बी, दैट इज पर्शियन गल्फ एंड गल्फ ऑफ ओमान. सो यहाँ पर ये मैप है. सो हियर यू हैव ईरान, देन हियर इज इराक, फिर यहाँ कुवैत है, कतर, यूएई, सऊदी अरेबिया, ओमान, राइट. सो ये सारी कंट्रीज हैं यहाँ पर. और यहाँ पे आपको एक छोटी सी वाटर बॉडी दिखेगी. सो दिस इज पर्शियन गल्फ. ईरान का ही जो पुराना नाम है ईरान वाले रीजन का, उसको पर्शिया बोला जाता था, राइट. सो दिस इज पर्शियन गल्फ, वहीं से उसका नाम ऑरिजिनेट हुआ इस गल्फ का, पर्शियन गल्फ. सो दिस इज पर्शियन गल्फ. और बाहर में ये आपको मिलेगा गल्फ ऑफ ओमान, राइट. सो ये दो अलग अलग वाटर बॉडीज हैं, और इसको ज्वाइन करता है एक छोटा सा नैरो स्ट्रेट जो है स्ट्रेट ऑफ होर्मूज, राइट. एंड दिस स्ट्रेट इज स्ट्रेटेजिकली वेरी इंपॉर्टेंट. वाई? इट प्रोवाइड्स द ओनली सी पैसेज फ्रॉम पर्शियन गल्फ टू द ओपन ओशन. सो ओपन ओशन में आपको आना है तो यहाँ से क्रॉस होके आना पड़ेगा, राइट. एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट. और ये इसका जो नैरोएस्ट पॉइंट है वहाँ पे ये सिर्फ 65 किलोमीटर वाइड है. सो बहुत ईजिली इस रास्ते को बंद किया जा सकता है, राइट. और उससे होगा क्या? सी द थिंग इज अराउंड 30% ऑफ द वर्ल्ड्स लिक्विफाइड नेचुरल गैस LNG एंड 20% ऑफ वर्ल्ड्स पेट्रोलियम सप्लाई पासिस थ्रू स्ट्रेट ऑफ होर्मुज. सो ये इसकी इंपॉर्टेंस है, राइट. सो ये जो कंट्रीज हैं अंदर, कुवैत, कतर, इराक, सऊदी अरेबिया एंड UAE, ये जब अपना ऑयल एक्सपोर्ट करेंगे, जब इसको बाहर भेजेंगे, तो इस चोक पॉइंट को उनको क्रॉस करना पड़ेगा, राइट. सो यहीं से इनके जो ऑयल के कंटेनर्स होते हैं वो बाहर आते हैं, दे कम टू इंडिया, दे गो टू US, दे गो टू ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, राइट. सो दिस इज अ मेजर चोक पॉइंट, और ये काफ़ी समय से न्यूज़ में बना हुआ है. दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज हियर. US ने ईरान के ऊपर सैंक्शंस लगाए, देन US के एक ऑयल टैंकर के ऊपर किसी ने अटैक कर दिया. सो US इज़ ब्लेमिंग ईरान. उसके बाद में US ने मिलिट्री प्रेजेंस अपनी बढ़ा दी इस पर्टिकुलर रीजन में, और अपने ड्रोन से यहाँ सर्वेलेंस स्टार्ट कर दिया, एंड देयर ड्रोन वॉज ऑल्सो शॉट डाउन, राइट. सो दे आर ब्लेमिंग ईरान वंस अगेन. ओके, सो दैट इज वॉट इज हैपनिंग इन दिस रीजन. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 7. विद रिस्पेक्ट टू द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग 0 आर. स्टेटमेंट नंबर 1, द पीरियड आफ्टर क्वेश्चन आर and before the beginning of the rest of the day's work is 0 hour. Statement number 2, there is no mention of 0 hour in the parliamentary rules and procedures. Which of the above statements is or are correct? And the correct answer here is C, that is both 1 and 2. So both the statements are correct, and in 0 hour members can raise issues of importance with the prior notice to the speaker, right. और अगर फंक्शनिंग देखें हम पार्लियामेंट की, सो इस तरह से उनका टाइम टेबल है. सो 11 बजे यहाँ पे सेशन स्टार्ट होता है, दैट इज़ क्वेश्चन आर, राइट. सो यहाँ पे क्वेश्चन आर होता है, उसमें स्टार्ट क्वेश्चन, अनस्टार्ट क्वेश्चन दो तरह के होते हैं. एंड 12 बजे जो है वो 0 आर स्टार्ट होता है, और 0 आर उसको इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि इट स्टार्ट्स एट 12 PM. सो 0 आर जो है 12 से 1 PM, उसके बाद में 1 घंटे का लंच है, एंड 2 PM से 6 PM तक लोकसभा चलती है, दैट इज़ द ऑफिशियल टाइमिंग, और 2 PM से 5 PM तक राज्यसभा का ऑफिशियल टाइम है, राइट. सो लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. So this is question number 8. RCEP, Regional Comprehensive Economic Partnership, was in news recently. Which of the following countries is not a signatory of RCEP? RCEP का signatory कौन नहीं है इनमें से? USA, India, China या फिर South Korea? And the correct answer here is A, that is USA. So USA इस group का part नहीं है. Actually ये group अभी form नहीं हुआ है. So still negotiations are going on, and it is basically a free trade agreement, right. So it is a proposed free trade agreement between ASEAN nations. 10 ASEAN nations are there, and 6 Asia Pacific nations. So total 16 countries इसमें involved हैं. 10 ASEAN nation हैं, और उसके अलावा में ऑस्ट्रेलिया, चाइना, जापान, साउथ कोरिया, न्यूजीलैंड एंड इंडिया. आई थिंक इंडिया इज मिस्ड आउट हियर. सो इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द सिग्नेटरीज. सो यू जस्ट इंक्लूड इंडिया हियर, राइट. और RCEP अभी न्यूज़ में बना हुआ था, दैट इज़ वाई दिस क्वेश्चन इज हियर. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 9. सो दिस इज ऑल्सो फ्रॉम पॉलिटी वंस अगेन. वैन देर इज अ डेडलॉक बिटवीन द टू हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट ओवर एन इशू, देर इज अ प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉल द जॉइंट सेशन ऑफ द पार्लियामेंट. द जॉइंट सेशन इज प्रिसाइडेड बाई प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेजिडेंट ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज सी, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा. सो ये UPSC में भी कई बार पूछा गया क्वेश्चन, और कई सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, स्टेट PSCs में ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, राइट. सो जो जॉइंट सेशन होता है पार्लियामेंट का, उसको प्रिसाइड कौन करता है? स्पीकर ऑफ लोकसभा. और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी तो सेम ही है, बिकॉज चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन है? वाइस प्रेसिडेंट इज द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा. इनफैक्ट वाइस प्रेसिडेंट को वाइस प्रेसिडेंट होने की सैलरी नहीं मिलती है, ही गेट्स पेड बिकॉज ऑफ बींग द चेयरमैन ऑफ राज्यसभा,
राइट. सो द जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट इज कॉल्ड बाय द प्रेसिडेंट एंड प्रिसाइडेड ओवर बाय द स्पीकर ऑफ लोकसभा. ओके, सो काफ़ी पावरफुल पोस्ट है अगर देखा जाए लोकसभा के स्पीकर की. नाउ लेट्स कम टू क्वेश्चन नंबर 10. खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इज लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स? ए छत्तीसगढ़, बी बिहार, सी झारखंड या डी मध्य प्रदेश. एंड द करेक्ट आंसर हियर इज डी, दैट इज मध्य प्रदेश. सो खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी न्यूज़ में था रिसेंटली बिकॉज 5 टाइगर्स वर स्पॉटेड देयर फॉर द फर्स्ट टाइम इन खेवनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. सो दिस इज लोकेटेड इन मध्य प्रदेश इन देवास डिस्ट्रिक्ट. सो दैट्स ऑल गाइज, दैट्स ऑल फॉर टुडे. If you have not subscribed to the channel, please subscribe it and please share these lectures with your friends and please provide your feedback in the comment section. We'll see you soon with another lecture. Till then, take care, bye-bye and prepare well.